सलू क्या सही है सही है सही है सही है सही है सही सलू क्या कैसे हैं भाई लोग? आप बताइए। मैं सेक्सी। किस तरह के रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल रहे हैं? पोस्टर भी काफी अमेजिंग है। आप ही बताओगे ना, हम ये थोड़े बताने के लिए बैठे हैं। जितनी भी वेबसीरीज आप अलग अलग लास्ट वेबसीरीज की बात सुपर मैं करूँ तो भी अलग थी, इसकी माफिया वाली स्टोरी दिखाई और क्या कहना चाहूँगा? देखिए, सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिक है, हार्टलैंड का स्टोरी है एंड डेफिनेटली डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट है इस चीज़ का। मतलब हार्टलैंड की स्टोरी है, कैरेक्टर भी मेरा इंटरेस्टिंग है, जो आम मतलब अभी तक जितने जिस तरीके के कैरेक्टर किए हैं कुल मिला के नियर बाई रहे हैं, लेकिन इसका ये जो प्लॉट है ये काफ़ी डिफरेंट है बाकी पिछले जितने भी कैरेक्टर्स मैंने किए हैं। स्टोरी वाइज भी इसमें आप मतलब जिस तरीके की स्टार कास्ट है, सिंटिलेटिंग स्टार कास्ट कह सकते हैं कि मतलब सतीश कौशिक जी, अनिता राज जी और वेटरन्स रवि किशन जी वेटरन्स पड़े हुए हैं, तो और कुल मिला के हमारी टीम अच्छी थी, तो कुल मिला के हमने एक मेहनत की है अपने हिसाब से, एक अच्छी स्टोरी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेट्स सी कैसे कभी तैयारी की? बॉन्ड हूँ उन चीज़ के साथ, कोई इशू नहीं है। मैं बिहार से हूँ तो मुझे पता है कि किस तरीके से कट्टा पकड़ते, देर इज़ नो नथिंग न्यू इन दैट थिंग। तो पॉइंट ये है कि हाँ, कैरेक्टर के लिए डेफिनेटली जिस तरीके का कैरेक्टर है, एक लड़का ऐसा है जो आईएएस की प्रिपरेशन करता है, एंड यू सी इन दैट पर्टिकुलर रीजन आइदर स्टडी इज दैट इंपॉर्टेंट और यू गो टू दैट डायरेक्शन वेयर देर इज अ क्राइम एंड ऑल सच थिंग्स। सो देर आर ओनली टू ऑप्शंस एंड दिस गाय ऑप्टेड अनदर वन बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसिस, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ हिज फैमिली एंड नियर बाई सराउंडिंग। तो प्रिपरेशन के मामले में लैंग्वेज पे प्रिपेयर किया है, आसपास की स्टोरी पे प्रिपेयर किया, बाकी चीज़ों पे मुझे इतनी मेहनत कर सकता था कि मैंने। देखिए, प्लॉट जो भी है फ्रिक्शनाइज तो होती है चीज़ें, प्लॉट जो है वो काफ़ी अलग सा है इस तरीके, इस प्लॉट को अभी तक किसी ने टच नहीं किया है। द सिचुएशन गोइंग ओवर देयर, लीकर इश्यूज है वहाँ पे बिहार के आसपास के एरिया में लीकर जहाँ पे बंद हो चुका है, तो ये क्राइम जो है बहुत ही बोलते ना कि लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ रहा है, और जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो सिचुएशन क्रिएट हुई है कि एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों के सामने आई है जो वहाँ के लोग हैं, एंड पीपल स्टार्टेड यू नो लुकिंग फॉर दैट थिंग। तो नई स्टोरी, नई तरीके का प्लॉट था, और जो ये जो चीज़ बोले कि फ्रिक्शनाइज है या रियल है, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो रहती है बिकॉज फॉर द पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग फ्रिक्शन वहाँ पे होता है। कई चीज़ें आप बोलते हैं कि पुरानी नई शराब पुरानी बोतल में डाली जाती है, पुरानी बोतल में नई शराब या पुरानी क्या बोलते हैं उसको, हाँ पुरानी बॉटल नहीं, नई बॉटल में पुरानी शराब जो बोलते हैं, तो वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फ्रेग्रेंस आए, क्योंकि हमारे जो नौ भागों में स्टोरी बोले रस में बटी हुई स्टोरीज होती हैं, नौ रस में बटी हुई चीज़ें। एक ऐसा रस जो आपके सामने है, थोड़ा सा रिवेंज का थोड़ा इसमें प्लॉट ज़्यादा है बिकॉज बेस वहीं पर रख के बनाया गया है, अदरवाइज जो दूसरे पॉइंटर्स हैं जैसे स्टोरी का जो हम जिस चीज़ को टच करने की कोशिश कर रहे हैं आर्टलैंड की स्टोरी में, जहाँ पे शराब का वहाँ पे माफिया एक तरीके से क्रिएट हो रहा है, हो चुका है, तो एक नई चीज़ को हम इनसाइट में ला रहे हैं लोगों की, वो इसलिए थोड़ा सा ही अलग कह सकते हैं कि आप इससे। बहुत ही अतरंगी और बहुत ही मतलब मज़ेदार इंसान है, शुरू से उनका फ़ैन रहा हूँ, काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके के उन्होंने कैरेक्टर्स, उनकी वेरिएशन अभूतपूर्व है जिस तरीके से कहा जा सकता है कि वो, और जिंदा दिल इंसान है हमेशा, मतलब नए लोगों को भी उस तरीके से, हमारे साथ जितने भी सीन हुए उनके काफ़ी वो मतलब एक होता है ना कि लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि आप जितने नए लोग होते हैं उसको किस तरीके से नर्चर करते हैं, उनके पास ये काबिलियत है कि वो अपनी नई चीज़ें लाते हैं, साथ ही साथ वो इन्वॉल्व करके एक्टिंग करते हैं आसपास के लोगों की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा है जो कह सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं
एक्चुअली कंट्री माफिया की जब मैंने स्टोरी सुनी थी एंड स्पेशली जो मेरा कैरेक्टर था मोहिनी का, तो इट रियली लाइक स्टक मी दैट आई वॉन्टेड टू डू दिस रोल. बिकॉज जैसे टिपिकली बॉलीवुड में लड़कियों को कैटेगराइज कर दिया जाता है कि यो ग्लैमरस एंड इफ यू आर लाइक यू नो गुड लुकिंग, आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी गुड लुकिंग बट या लाइक इफ यू आर गुड लुकिंग गर्ल देन ग्लैमर एंड बोल्ड स्टफ यू हैव टू डू. सो आई वॉन्टेड टू डू दिस सो दैट एक नया शेड मिले मेरे कैरेक्टर को एंड मेरी एक्टिंग को मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ. सो दैट वॉज द ओनली रीजन एंड आई वॉज लाइक रियली ऑस्टक विद माई कैरेक्टर इन द सीरीज. But what would you say about the story lineup? काफी different story lineup है. कुछ बताना चाहोगे real characters हैं क्या real से कुछ inspired होके story lineup? See मैंने जहाँ तक मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जो मेरा कैरेक्टर है मुझे उसकी सबसे जो अच्छी चीज़ लगी थी वो यही लगी थी कि वो बहुत रियलिस्टिक है. इसमें आई एम प्लेइंग अ बिहारी लेबर क्लास, तो द यू नो द काइंड ऑफ लाइफ दे लिव इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड दे डोंट दे आर नॉट लाइक दे आर वेरी पॉजिटिव और दे आर वेरी नेगेटिव, दे आर जस्ट ग्रे एंड उनको जैसे लाइफ मिलती है दे सर्वाइव. सो दैट्स द ओनली रीजन दैट आई लाइक दिस कैरेक्टर बिकॉज इट वॉज वेरी नेचुरल एंड वेरी रियल. एज अ लाइक एज आपने खुद ही बोला है कि इतने बड़े एक्टर हैं और इतने एक्सपीरियंसड हैं, ही इज़ वन ऑफ लाइक वन ऑफ द टैलेंटेड एक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री. सो इट वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज जितना भी कास्ट एंड क्रू है इसका सभी एक्सपीरियंसड हैं एंड वर्किंग विद हिम वॉज लाइक अ लर्निंग फॉर मी. बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला, ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस एक्टर, सो उनके सामने खड़ा रहना भी मुझे लगता है कि अपने आप में एक चैलेंज है बिकॉज हर टेक में ही ब्रिंग समथिंग न्यू एंड एज एन एक्टर यू लर्न फ्रॉम दैट. थैंक यू सो मच. जिसके पैसे लगते हैं हाँ? जिसके पैसे लगते हैं नहीं नहीं प्रोड्यूसर तो पैसे ही देते हैं, पर जानना चाहोगे काफी सोच के पैसे दिए जाते हैं और इस तरह की सीरीज के लिए जब स्क्रिप्ट आती है तो क्या कुछ था कि आपको लाइक आई हैव टू बी द प्रोड्यूसर ऑफ दिस सीरीज? या देखो ऐसा है कि व्हेन द स्क्रिप्ट कम्स अप सो यू हैव टू सी द कंटेंट फर्स्ट एंड ऑल्सो यू हैव टू सी व्हाट्स न्यू इन द स्क्रिप्ट. सो वन थिंग इज देयर दैट जैसे आप अगर देख रहे हो कि ये लिकर का जो माफिया है ये स्पेस बहुत नहीं है और इस स्पेस को अभी तक टच नहीं किया गया था एंड देन इट्स लाइक अ थिंग जो कि आज जो कि आज मतलब लोग कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. अब अगर आप हमारा सीरीज़ का भी आप जब देखोगे पहला प्रीव्यू तो फर्स्ट शॉट ही ऐसा है कि वो एक दियारा दिखाया है हमने. तो इनफैक्ट पहले हम लोग उसका नाम भी दियारा सोच रहे थे रखना, लेकिन बट क्या है कि दियारा एक वर्ड ऐसा है जो सबसे सबको पता नहीं चल सकता, लाइक यू नो इट्स अ वेरी क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं ना, क्लिष्ट हिंदी का वर्ड है. बट दियारा का मतलब ऐसा है कि इट्स अ नो मैंस लैंड. So that is the premise basically, like you know this is the interest that we were looking at and that's where we kind of thought that you know we need to do this and which excited us to do. And what was the table discussion with the director, because whenever you do such kind of projects yeah. there are risk factor also yeah. because koi bhi hurt ho sakta hai, kuch bhi ho sakta hai aage yeah. What was the discussion between you as a producer and yeah. the director, kya kuch tha? देखिए डायरेक्टर के साथ तो यही था कि यार पहले तो बजट में बनाना, दैट्स द फर्स्ट थिंग. बट एट द सेम टाइम यस ऑफ कोर्स रिस्क फैक्टर्स थे क्योंकि इसमें अगर आप देयर इज हार्डली एनी VFX दैट वी हैव यूज्ड, सो वॉट एवर यू विल सी एज एन एक्शन इज कम्प्लीटली न्यू, एज एन इट्स कम्प्लीटली रियल एंड वीव रियली यूज्ड ब्लास्ट एंड वीव वर्कड. हमने लोकेशंस ऐसी हैं जो आपने शायद इससे पहले कभी देखी नहीं होंगी, माइंस की लोकेशन है जहाँ पे रियल टाइम ब्लास्ट हो रहे थे. सो वी वर लकी इनफ कि हमें ऐसी जगह मिली और हमने मतलब वो सब चीज़ें कैप्चर की, उस सारे शॉट्स को अच्छी तरीके से कैप्चर किया. इनफैक्ट आई वुड गिव माई थैंक्स टू द डायरेक्टर एंड स्पेशली टू माई DOP who could figure this out. And yeah, I mean, we were being very cautious कि किसी को चोट वगैरह नहीं पहुँचे एंड यू नो वी वेरी केयरफुल अबाउट इट. सर,
वेरी मच एक्साइटेड एंड काफ़ी सारे नए प्लॉट्स हैं, नई स्टोरी है. आई वुड रादर से कि सबको सब देखें इसको और फैमिली के साथ देखें. जी थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो पहले दिल पे सक्सेस है, इतना नंबर वन हैशटैग, उसकी सक्सेस के बारे में क्या? मुझे बहुत ही मज़ा आया अर्जुन और गुरमीत के साथ काम करने में. एंड दे आर अमेजिंग पीपल, वेरी वेरी हम्बल. एंड आई थिंक विद टी सीरीज माई जर्नी हैज़ बिगन, सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हैव वर्क्ड विद सच अमेजिंग कोस्टार्स. आई थिंक ट्रेलर देख के कंटेंट बहुत ही अच्छा है एंड आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट चाहिए. एंड वन थिंग अबाउट कंट्री माफिया, आई थिंक इट्स गॉट सम अमेजिंग कॉन्टेंट एंड यू गाइज विल गेट टू सी इट वंस इट रिलीजेस. सो डोंट फॉरगेट टू गो एंड वॉच कंट्री माफिया. आई थिंक टू बी ऑनेस्ट पूरा जो पूरा ट्रेलर है, the way it is and the way it's been done and the team's hard work and I think all of them, the way they've come together and put in those many efforts to make such a lovely project, I think that's about it. Iske alawa aapke T series ya fir Z5 ke sath koi upcoming project? Z5 ke sath nahi, lekin mera ek film hai jo aane wala hai February mein, mera first look aane wala hai, so I'm really excited and I have a couple more films lined up and some more script readings, so stay tuned. Iske alawa Bigg Boss kitna follow karta hai? Bilkul nahi hai, main Bigg Boss dekhti nahi hu. Saundarya hai, mujhe poochho mat ye. Koi Manya Singh thi, but I think she came out of the house. Yes. I don't know, she's too innocent. Yeah, she's too sweet, so thank you. सी कंट्री माफिया, आपने पोस्टर देखे समझ रहे होंगे कैसी टाइप की सीरी है. सो हम सब ने बहुत मेहनत किया है. इट्स अ रिवेंज ड्रामा. सो जो मेरा कैरेक्टर, आई थिंक आई एम द ओनली वन पॉजिटिव कैरेक्टर इन थ्रू आउट द सीरी. आई थिंक ऑल द कैरेक्टर्स आर लाइक, यू नो, दे आर लाइक रिवेंज ड्रामा एंड दे आर लाइक नेगेटिव कैरेक्टर. सो आई थिंक आई एम द ओनली पॉजिटिव वन जो आई थिंक एक सीरी के अंदर एक फ्रेशनेस लेके आता है. सो या, सो आई थिंक इट्स अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द सीरी एंड रेस्ट आप जब देखेंगे आपको समझ में आएगा. बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है एंड जैसे आपने देखा ही है, रवि किशन जी हैं, सतीश जी हैं, आयुष्मान है, सौंदर्या है, देर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट इन इट. सो रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, एवरीवन इज़ रियली लविंग इट. जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया था, सो वी गॉट अ अमेजिंग एंड रियली रियली पॉजिटिव रिस्पांस. सो वी ऑल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो आई थिंक आप सबको पसंद आएगा. सो वट आई फील दैट दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन. सो आई थिंक, यू नो, After long on Z, you know, एक इस टाइप की सीरी आ रही है. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जैसे कि माफिया के ऊपर बरसों से मूवी बनते आ रही है, कई मूवियाँ रियल रहते हैं, कई मूवी बनाया जाता है, मैं जानना चाहूँगा मूवी का रियल. ये हमारे डायरेक्टर ही आंसर दे पाएंगे. आई एम नॉट सपोज टू रिवील एनी थिंग, बट आई थिंक जब आप पूरी सीरी देखेंगे आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा. बट या, as you said, you have a positive role in the
बट ये पॉजिटिव कई हद तक लास्ट पे जाके कुछ नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स अ सरप्राइज। मासूम टेरा चैनल में वो काफी अमेजिंग, वो उसकी स्टोरी लाइन अप भी काफी अमेजिंग थी, यू नो। इसमें भी कुछ वैसा ट्विक टर्न एंड ट्विस्ट में देखने मिलेगा, यू नो, जैसे बेवफा तेरा मासूम चेहरा, जैसे नो काइंड ऑफ पर्सन आई एम, बट जो मुझे रोल मिलते हैं सो एंड में उसके अंदर ट्विस्ट ज़रूर होता है। सो इसके अंदर भी एंड में एक ट्विस्ट है जो आप सबके लिए सरप्राइज है, जिसको अब भी मैं रिवील करके आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर फन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस सर, इट्स लाइक अ टीजिंग पॉइंट, वो एक टीजिंग पॉइंट है। ट्रेलर में भी टीजर है कि ये बंदूक तान के क्यों खड़ा है, जो कि बंदूक तानने में तो ये बहुत मशहूर हुआ था शेर सिंह में, जैसे आप लोग सब जानते हैं। सो ये जो किरदार मैंने निभाया, मैंने आज तक इस कैरेक्टर को मतलब मैं हमेशा से करना चाहता था, जो कि कर रहा हूँ मैं, इट्स लाइक मैनिफेस्टिंग ऑल्सो। सो ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊँगा, बट हाँ स्टिल जिस तरीके का पूरा ये बुके एक डेवलप हुआ है, आप देख सकते हैं, रवि किशन जी हैं, सतीश जी हैं, अनीता मैम मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ बेसिकली, अंशुमन है, सौंदर्य है। सो दिस वाज समथिंग, बहुत एक अच्छा मौका मिला था इन लोगों के साथ काम करने का, और बहुत कुछ सीखा भी मैं, बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ। अगर अभी बताऊँगा क्या क्या सीखा हूँ तो पता चलेगा, पहले नहीं आता था, तो इसलिए हाँ धीरे धीरे इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। सो या कंट्री माफिया इट इज़। अब रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, बिकॉज जैसे कि आपने देखा कि एक छोटी सी झलक है, वो जो एक झलक है वो किस, वो क्या आपको एक टीजिंग पॉइंट चिढ़ा के चली जाती है। सो पीपल आर वेटिंग टू वॉच इट। सो नाउ फ्रॉम 18th ऑनवर्ड्स डेफिनेटली पीपल विल नो दैट कि मैंने ये बंदूक क्यों उतारी थी। इसके अलावा गौरव, कई ये स्टोरी कोई ऐसी रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है या फिर कुछ ऐसे ही सच्ची घटना पे आधारित है ये मूवी? अब सच्ची घटना पे ऐसे तो नहीं है, बट हमने जो लोकेशन शूट करी है, जिस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, जो आप लोगों को दिखेगा, वो एक आपको वैसा विजुलाइज ज़रूर करेगा, और आपको स्टोरी ग्राफ पे वो ऐसा ड्राइव लेके जाएगा दैट समवेयर आप रिलेट करोगे कि हाँ ऐसा होता है ज़रूर, बट कोई जो किरदार है वो किसी के ऊपर नहीं है, कुछ ऐसा रियल स्टोरी नहीं है, बट आप लोग पूरा ग्राफ देखने के बाद समझेंगे कि हाँ उस एरिया में, उस जगह पे, उस सिटी, उस स्टेट में ऐसा ज़रूर होता। हाँ ये शूट वाराणसी, मिर्ज़ापुर, ये सब लोकेशन में कवर किया था हमने, और सारी रियल लोकेशन, बहुत अमेजिंग लोकेशन थी। मैंने कुछ शूट के दौरान मैंने कुछ एक दो टीज़र लोकेशन पॉइंट्स डाले थे, पर ज़्यादा नहीं डाल पाया था, बट हाँ एक ब्यूटी शॉट्स ऑफ इंस्टाग्राम ज़रूर डाले थे, बट आपको देख के लोकेशंस को मतलब इट्स वेरी ग्रैंडियरली शॉट। इसके अलावा सौंदर्य अभी बिग बॉस के घर पे है, जी आप देख पा रहे हो सौंदर्य? देख तो नहीं पा रहा, बट जैसे कि मेरा अभी दूसरा प्रोजेक्ट भी चालू हो गया है, उसके लिए भी अभी थोड़ी देर में ही रिलीज होने वाला है वो भी। सो अगेन बैक टू द ग्राइंड, बट यस जितना फॉलो कर सकता हूँ आई एम फॉलोइंग, बिकॉज आई नो हर वेल, आई हैव अदर मैनी फ्रेंड्स ऑल्सो देयर, फ्यू क्लोज फ्रेंड्स। सो किसके लिए बोल रहा हूँ यार, बिग बॉस वाला सवाल मत कर लेना, तो बिग बॉस वाला सवाल नहीं करेगा। कोई ऐसा दोस्त आपका गौतम भी है? नहीं नहीं सर, अभी हम बिग बॉस के लिए कुछ बात नहीं करेंगे, सॉरी, सिर्फ कंट्री में, नो बिग बॉस। गौरव, जैसे कि ओटीटी का जमाना आ गया, बड़े पर्दे को कुछ फर्क पड़ता है ओटीटी से? सर ऐसे फर्क पड़ने की तो बात नहीं है, बड़े पर्दे को तो फायदा भी है प्रैक्टिकली, जो आपका विजन रहता है बड़े पर्दे, आजकल ओटीटी पे ही सब आ रहे हैं, आप देख रहे हैं बॉलीवुड के मतलब इंडस्ट्री के बहुत वेल नोन क्या मतलब, ऑल द सुपरस्टार्स आर कमिंग ऑन ओटीटी, बिकॉज अगेन देर आर ऑडियंस जो घर बैठी है शायद और थिएटर में नहीं जा पा रही है, उनके अभी भी थॉट्स ओल्ड स्कूल हैं,
तो टीवी एक्सेस फ़ोन एक्सेस इतना ईजी हो गया है कि दे आर स्टिल प्रेफरिंग टू वॉच फ्यू थिंग्स ऑन इनफैक्ट मेरी भी जो टीवी शोज़ आज भी चलते हैं वो फ़ोन और स्मार्ट टीवी पे चल रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है. सो फ़र्क मुझे नहीं पड़ता किसी को किसी के कारण पड़ता है, बट आई ऑलवेज फील एंड ऑलवेज फेल्ट एंड आई ऑलवेज बिलीव कि सबको एक दूसरे से फ़ायदा ही होता है. सो दैट्स हाउ द इंडस्ट्री इज़ रनिंग. थैंक यू. मैम लुक गया, मैम लुक दिस साइड, मैम सेंटर, मैम ऑन द लेफ्ट. ये विशाल यहाँ से पूछना फाइट कर ले. एक मिनट जी वो तो सबसे फेमस डायलॉग होने वाला है. थैंक यू. सीरीज गेट रिलीज. फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस दैट यू आर गेटिंग आफ्टर. सो ट्रेलर के बाद द रिस्पांस वाज रियली रियली वेरी गुड. इनफैक्ट बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि ये कब रिलीज़ हो और कब ये देखें. स्पेशली माई फ्रेंड्स दे टू एक्साइटेड. ऐसा रोल ऐसे डायलॉग जैसे आपने कहा, इवन आई एम वेटिंग टू सी इट ऑन द स्क्रीन कि कैसा लगता है, बिकॉज जब शूट कर रहे हैं उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था, बट आई एम जस्ट वेटिंग कि द रिस्पॉन्स ऑफ पीपल हाउ दे विल लाइक इट व्हेन दे सी इट. मैम आपका किरदार काफ़ी अमेजिंग है. जी अमेजिंग, देखिए जब आएगा तब देखेंगे लोगों का रिस्पॉन्स. जी ट्रेलर बहुत अच्छा है. कंट्री माफिया नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये क्रिमिनल वाली मूवी है, तो आपका किरदार किस तरह का है? स्ट्रॉन्ग वुमन जो डरती नहीं है, बच्चे हैं उसके साथ और वो बस यही चाहती है कि किसी तरह से जिस आदमी ने उसके साथ ऐसा सलूक किया है उसको उसका बदला लिया जाए और थ्रू अ किड्स. तो ये जो कैरेक्टर है उसी हिसाब से हमारे जो डायरेक्टर हैं शशांक जी ने बहुत खूबसूरती से यू नो हमको समझाया और आई थिंक इट्स टर्न आउट वेरी वेल. सौंदर्य को आज मिस करेंगे हम, लेकिन रोज देखते हैं हम बिग बॉस में. तो मैं पूछना चाहूंगा किस तरह का एक्सपीरियंस था सतीश कौशिक? बहुत अच्छा था. इनफैक्ट सतीश जी के साथ मैंने पहले की थी पिक्चर और उसके बहुत साल के बाद मैं उनके साथ मिली हूँ. रवि किशन जी के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम किया मैंने तो बहुत मज़ा आया. इनफैक्ट अंशुमान के साथ भी मैंने फ़र्स्ट टाइम काम किया इनफैक्ट, और उनके साथ भी. तो आई थिंक द एंटायर स्टारकास्ट और हम लोग सब साथ में थे बनारस में, तो एक फैमिली जैसा था. एंड आई थिंक जब बाप सब एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं, एक साथ इतना अच्छा रैपो होता है, तो वो पर्दे पर नज़र आता है. थैंक यू. Yes, sir. What is it? I'm going to check.
देखिए मैंने तो सीरीज लिखी है तो जाहिर सी बात है कि ट्रेलर देख के यही कहूँगा कि अच्छा है और एक एक जिज्ञासा जगती है, आप देखना चाहते हैं तो अच्छा है।
कोई ऐसी बातें जो आप बताना चाहो, पूरी सीरीज आपने जैसे जिक्र किया, कोई ऐसी बातें जो काफ़ी अमेजिंग लगी हो और ऑडियंस भी देखे इस सीरीज को? देखिए, जैसा जैसा कि हमारे प्रोड्यूसर्स ने भी कहा, ये एक नई दुनिया की तलाश में हमने ये कहानी जो है, मुझे लगता नहीं कि इस जोन में कोई अभी एंटर हम पहली बार कर रहे हैं। एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई लॉ नहीं है, वो दो स्टेट्स के बीच का एक एरिया है, उसमें कहानी सेट करना एक चैलेंज था, और लेकिन कहानी हमने वहाँ सेट की है और बन के पूरी सीरीज आप लोगों के सामने है आज। तो उसमें मुझे लगता है कि अपने आप में कहानी चुनना ही चैलेंज था, उसके बाद सारी चीज़ें सब ठीक होती गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रवि जी का किरदार काफ़ी अमेजिंग रहता है, अलग अलग किरदार करते हैं, पॉलिटिशियन भी है रवि जी, इसमें रवि जी का किरदार किस तरह से एज एन ऑडियंस नजर आएगा? रवि जी का किरदार देखिए, जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा, एक 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 बहुत अलग सा कलर उनके किरदार को दिया है, हमने देने की कोशिश की है, उन्होंने बहुत उसको बहुत अच्छे से और बहुत मन लगा के किया है, बिकॉज उनको बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि देखिए वो ग्रे करेक्टर प्ले कर रहे हैं, ग्रे का आप मतलब नेगेटिव करेक्टर है, नेगेटिव इन द सेंस कि आप जब जो हमारे सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से नेगेटिव है, लेकिन जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर वो गॉड है, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी है। हाँ, तो गुंडा लेकिन वो गॉड होता है वहाँ के, तो यही एक कमाल की बात है। देखिए आप कि जैसे वक्त बदलता है और जगह बदलती है, तो करेक्टर्स के परसेप्शन बदल जाते हैं, ठीक है, तो एक अलग कलर दिया है उनको, और ये था कि मतलब वो इन्जॉय करते हुए बात करें, और सिर्फ ऐसा नहीं हो कि धमकी देना है या बात करनी है, तो मतलब एक बंधा बंधा जो सांचा है उससे बाहर निकलने की कोशिश की, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा किया उन्होंने और बहुत पसंद आएगा लोगों को। थैंक यू।